हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। दोस्तों, हम अपने घरों में बड़े अप्लायंसेस को यूज़ करने के लिए इस 3-पिन प्लग का यूज़ करते हैं। और दोस्तों, इस 3-पिन प्लग के अंदर ये जो 3rd पिन होती है, ये इन दोनों पिनों से बड़ी होती है और साथ ही इसका जो साइज़ है वो काफ़ी मोटा होता है। तो दोस्तों, इसका क्या रीज़न है, आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी टाइप के वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। दोस्तों, कुछ इक्विपमेंट्स में हम 2-पिन प्लग को यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी, डीवीडी प्लेयर, मोबाइल फ़ोन का चार्जर। और कुछ इक्विपमेंट्स में हम 3-पिन प्लग को यूज़ करते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज, कूलर और हमारी वॉशिंग मशीन। दोस्तों, जो बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनमें हमेशा 3-पिन प्लग को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर लूज़ वायरिंग की वजह से अगर इक्विपमेंट की बॉडी में करंट आ जाता है और हमने 3-पिन प्लग को यूज़ किया है, तो वो 3rd पिन के थ्रू इक्विपमेंट की बॉडी का सारा करंट ग्राउंड हो जाएगा और जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, 3-पिन प्लग के अंदर ये जो 1st पिन होती है ये मेन लाइन की वायर होती है, और ये जो 2nd पिन होती है इसमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट होती है, और ये जो सबसे ऊपर वाली पिन है इसमें ग्राउंड वायर कनेक्ट होती है। और दोस्तों, अगर आप इस 3-पिन प्लग को एक सॉकेट के अंदर डालते हैं, जैसे ये सॉकेट है, ये आपके नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको मिल जाएगी, तो जब आप इस 3-पिन प्लग को इस सॉकेट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो सबसे पहले पिन एंटर होती है वो है ग्राउंड पिन। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल वायर और मेन लाइन की वायर कनेक्ट होने से पहले ही आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ये ग्राउंड की पिन कनेक्ट हो जाती है और आपका जो इक्विपमेंट की बॉडी है वो डायरेक्ट अर्थ हो जाती है। अब दोस्तों, जब आप इसको इंसर्ट करते हैं तो इसके बाद आपकी मेन लाइन की वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, अर्थिंग पिन का साइज डिफरेंट होने का एक रीज़न ये भी है कि आपकी सॉकेट के अंदर आप अर्थिंग पिन को किसी भी और मेन लाइन में या फिर न्यूट्रल वायर में कनेक्ट ना कर पाएं। अब दोस्तों, आप इसमें कहीं पे भी आप इसको एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ ये अर्थिंग पिन में ही एंटर हो पाएगा। ग्राउंड पिन के मोटा होने का एक और रीज़न है, जितनी ज़्यादा मोटी पिन होती है उतना ही ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो करता है और उतना ही कम उस पिन का रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए, अगर आपके इक्विपमेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा करंट आता है और अगर आपकी ग्राउंड पिन काफ़ी मोटी है तो वो मैक्सिमम करंट को ग्राउंड तक फ्लो कर सकती है। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।